केवल भौतिक कामनाओं तक तो सीमित नहीं है अध्यात्म। हमारे मन में इच्छाएं भी बहुत हैं, हमारे मन में कामनाएं भी तो बहुत हैं। हमारा मन कामनाओं से जैसे मानो भरा हो, और हो भी क्यों ना, जो श्रेष्ठ कामनाएं हैं, जो जो शुभ कामनाएं हैं, उन कामनाओं की, उचित कामनाओं की, धर्मयुक्त कामनाओं की, विवेक युक्त कामनाओं की, इच्छाओं की पूर्ति हमारे श्रेष्ठ संकल्पों की सिद्धि तो अवश्य ही होनी चाहिए, और होती है, होती रहेगी। दुखों से बचना चाहते और क्यों ना बचना चाहें, दुखाद उद्वीजते सर्वः सर्वस्य सुखम ईप्सितम्। दुख से सभी बचना चाहते और सुख सबको प्रिय है, अनुकूलता सबको पसंद है। हमारे जो श्रेष्ठ संकल्प हैं, हमारे जो शुभ संकल्प हैं, अपने घर के लिए, परिवार के लिए, अपने कार्य से संबंधित, अर्थ से संबंधित, कामनाओं की पूर्ति से संबंधित, उसकी प्रार्थना का हमें अधिकार है। एक शिष्य को अधिकार है, एक प्रार्थना भौतिक है, घर परिवार के कल्याण की कामना है, एक प्रार्थना आध्यात्मिक है। हमारे श्रेष्ठ शुभ संकल्पों की, कामनाओं की सिद्धि हुई है, हो रही है और होती रहेगी। लेकिन अध्यात्म केवल कामनाओं तक तो सीमित है नहीं, है ना, है कि नहीं। अरे एक साधक, एक विहंगम योगी इतना दृढ़ संकल्पी होता है, इतना दृढ़ संकल्पी होता है, कामना पूर्ति हो, कामना पूर्ति हो या कामना पूर्ति ना हो, वो अपने लक्ष्य से दूर नहीं हो सकता, वो अपने लक्ष्य से दूर नहीं हो सकता। का लक्ष्य केवल भौतिक तो है नहीं, कामना पूर्ति हो, कामना पूर्ति ना हो, देखता है आत्मा को, वह विवेकी जानता है अपने प्रारब्ध को, अनंत अनंत जन्मों से, अनंत अनंत जन्मों से नाना प्रकार के सुखों को, नाना प्रकार के दुखों को, नाना प्रकार के भोगों को, पदार्थों को भोगते ही तो चले आ रहे हैं। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से
नाना प्रकार के इन्हीं भोगों में इन्हीं पदार्थों में तो घूम रहे हैं। यही तो संकल्प लेता है एक साधक, ये जो वर्तमान जीवन है, ये जो वर्तमान जीवन है केवल केवल शरीर और संसार में व्यतीत नहीं हो सकता, व्यतीत नहीं हो सकता साहब। आत्मा को नहीं भुला सकते, स्वयं को नहीं भुला सकते। तो शरीर में रहते, संसार में रहते इतना विवेकी हो जाता है।